मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स और हम इसमें बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम पेज नंबर 97 तक कर चुके हैं, आज हम 98 से कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, कटिंग द केक मीन्स बच्चों ये है रजनी और ये है रजनी की फैमिली। तो रजनी के फादर जो हैं एक दिन एक केक लेके आते हैं और जो रजनी है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देख रहे हैं अब ये केक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और चारों पार्ट इक्वल हैं। तो अब ये किस किस के पार्ट हैं, तो एक पार्ट तो है ये रजनी का, एक रजनी की मदर का, एक रजनी के ब्रदर का और एक रजनी के फादर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट केक के किए गए हैं। अब इसमें फर्स्ट देखिए क्या बोला है, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, यानी कि आपको इस जो ये 4 पार्ट किए गए हैं उनके हर एक पार्ट को अलग अलग कलर से आपको कलर करना है। सेकंड में क्या बोला गया है, हाउ मच डज ईच गेट, यानी कि जो हर एक मेंबर है ना, यानी कि रजनी, रजनी के फादर, मदर और ब्रदर, हर एक को कितना पार्ट मिला है। तो अब ध्यान से देखेंगे आप, पहले तो आप क्या करेंगे, कितना पार्ट मिला है, पहले आप क्या करेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है हमारा केक, 4 इक्वल पार्ट्स में। और देखिए पहले रजनी का पार्ट देखते हैं, रजनी का कितना पार्ट है, रजनी को एक पार्ट मिला है ना पूरे केक का, तो यानी कि 1/4। इसी तरीके से अब रजनी की मदर का देखिए, तो पूरा केक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट में, और रजनी की मदर को भी कितना पार्ट मिला है केक का, एक पार्ट है ना, 1 पार्ट, तो यानी कि 1/4। तो इसी तरीके से सबको, चारों को बेटा 1/4 पार्ट मिला है केक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, यानी कि जो उसकी मम्मा थी, रजनी की मम्मा थी, उसने जो अपना पार्ट था ना वो भी उसने रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, यानी कि रजनी को जितना पार्ट मिल गया ना उसको आपको कलर करना है। तो अब देखिए कौन कौन से पार्ट किए थे, तो ये फर्स्ट पार्ट तो था रजनी का, ये रजनी की मदर का, ये रजनी के भाई का और ये रजनी के फादर का, ठीक है। इस तरीके से 4 पार्ट थे। तो अब रजनी की जो मदर थी, देखिए ये मदर वाला पार्ट है, ये उसने, रजनी की मदर ने रजनी को दे दिया, तो यानी कि रजनी के पास ये वाला पार्ट भी हो गया, रजनी के पास 2 पार्ट हो गए, कौन सा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट उसकी मदर का, ये 2 पार्ट हो गए रजनी के, ठीक है। तो आपको अब इनको कलर करना है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कीजिए इन दोनों पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स में से, 4 पार्ट में से रजनी को कितने पार्ट मिले हैं, रजनी की मामा ने रजनी को भी अपना दे दिया था ना, तो यानी कि रजनी को कितना मिला, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, यानी कि 2 पार्ट्स मिले हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, यानी कि 2 पार्ट्स मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि ये जो 2 पार्ट्स है ना, ये पूरे केक का हाफ है जी। हम देख लेते हैं कि हाफ है या नहीं है, तो पूरे केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर से हम वैसे ही करेंगे 4 पार्ट्स में, तो नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 और रजनी को कितने पार्ट्स मिले हैं, 1 एंड 2 पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। अब जो कट रहा है ऊपर नीचे उसे कट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कट हो रहा है ना, 2 1 2 और 2 2 4, यस, यानी कि 1/2, तो यानी कि हाफ पार्ट रजनी को पूरा केक का मिला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो अब हम इसमें फिल कर देंगे, सो ही कैन राइट इट एज, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 4, आप देख रहे हैं अपॉन के नीचे है 4, यानी कि टोटल जो पार्ट्स हमने एक केक के किए हैं वो पार्ट्स, और रजनी को कितने पार्ट मिले, 2 पार्ट, हमने यहाँ पे भी लिखा था ना 2 पार्ट, तो रजनी को 2 पार्ट मिले जो कि हाफ पार्ट के इक्वल आए, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोलते हैं, बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, यानी कि बोल रहे हैं कि रजनी की मदर ने जब रजनी को अपना शेयर दिया ना, तो उससे पहले उसके पास कितना पार्ट बचा हुआ था, देने से पहले हाफ ऑफ हाफ, यानी कि हाफ ऑफ की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन और हाफ हाफ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा, तो ऊपर को ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। तो 1/4, तो ये 1/4 बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं,
कि हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट कलर देयर टोटल शेयर। अब वो बोल रहे हैं कि रजनी और राजू यानी कि उसके भाई को एक साथ कितना शेयर मिला है उसको कलर करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना आपको, रजनी को टू पार्ट्स मिले थे ना, एक तो उसका खुद का शेयर और एक उसकी मदर का शेयर, ठीक है, ये टू पार्ट्स तो थे रजनी के। और उसके भाई को भी कितना शेयर मिला था, ये वाला जो ये वाला पार्ट है ये उसके भाई का शेयर था। तो इस तीनों पार्ट में आपको कलर करने हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑल टुगेदर दे गेट थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर। तो अब वो इसमें बोल रहे हैं कि उन दोनों को यानी कि राजू और रजनी दोनों को कितने पार्ट मिले थे, फोर पार्ट्स में से दोनों के कितने पार्ट हो गए, टोटल थ्री पार्ट्स हो गए ना। तो देखिए बस ये बता रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/4। यस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्रीडी कुंदू यानी कि कुंदू नाम का एक आदमी है, वो लालची है। कैसे, देखिए, उसको भी एक दिन ना क्या था, उसको पम्पकिन का हलवा खाना था। तो वो पम्पकिन लेने के लिए बाजार जाता है और वो चाहता है कि उसे 10 रुपये में बहुत बड़ा पम्पकिन मिल जाए, बड़े से बड़ा पम्पकिन मिल जाए। तो वो फर्स्ट सेलर के पास जाता है और वो बोलता है कि उसके पूछता है कि भाई पम्पकिन का क्या प्राइस है। तो वो क्या बोलता है सेलर कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज 4 रुपीज़ 10। यानी कि वो क्या बोलता है कि जो फुल पम्पकिन है ना, उस फुल पम्पकिन का 1/4 10 रुपीज़ में है। तो हम एक बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए हमारा ये है पम्पकिन, टोटल पम्पकिन। अब इस फ्रैक्शन, एक सेकेंड, देखिए हमने ये बनाया पम्पकिन, ठीक है, और इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान से देखिए, 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन, इस पम्पकिन का जो ये हमने पम्पकिन बनाया है इसका 1/4, नीचे 4 का मतलब क्या हुआ कि इस पम्पकिन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। और ऊपर 1 का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक पार्ट, इस पूरे पार्ट, इसके चार पार्ट में से एक पार्ट जो है वो कितने का है, 10 रुपीज़ का, एक पार्ट 10 रुपीज़ का है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, यानी कि जो ये पूरा पम्पकिन है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे अब कि इस एक की क्या वैल्यू है, कितना प्राइस है, 10 रुपीज़। तो यानी कि इसकी भी 10 रुपीज़ होगी, है ना, और इसकी भी 10 रुपीज़ होगी और इसकी भी 10 रुपीज़ होगी। तो टोटल मिला के पूरे पार्ट का कितना हुआ, 10, 10, 10, 10, 40 रुपीज़। यानी कि जो फुल पम्पकिन है वो कितने रुपीज़ का हुआ, 40 रुपीज़ का। तो आपको यहाँ पे लिखना है 40 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। कुंदू को पसंद नहीं आया वो चीज़, उसने बोला कि मुझे तो हाफ चाहिए इसका, मुझे 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दे दो। तो वो बोलता है कि जो फर्स्ट सेलर होता है कि नहीं, आप, मैं नहीं दूंगा, आप किसी दूसरे सेलर से ले लो जो आपको हाफ पम्पकिन दे दे 10 रुपीज़ में, तो मैं तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पम्पकिन बेचता हूँ तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो कुंदू फिर दूसरे सेलर के पास जाता है और दूसरे सेलर के पास जाके भी वो उतने ही साइज़ का एक पम्पकिन देखता है और वो उससे प्राइस पूछता है। तो वो बोलता है कि मैं, आप मुझे, उस जो कुंदू होते हैं ना वो सेलर से पूछते हैं कि आप मुझे 10 रुपीज़ में कितना पम्पकिन दे सकते हो। तो सेलर क्या बोलता है, हाफ पम्पकिन, यानी कि जो 10 रुपीज़ में वो हाफ पम्पकिन देगा। तो यानी कि कितना हुआ, पहले हम इसको फिर से वैसे ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया है। यानी कि ये है, बनाया हमने अपना पम्पकिन और हाफ यानी कि 1/2, नीचे 2 है यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, और इसमें से 1 पार्ट जो है ऊपर 1 है ना, देखिए ऊपर 1, तो यानी कि ऊपर 1 है का मतलब कि ये इतना पार्ट जो है, कलर वाला पार्ट है, ये है 10 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का। तो यानी कि ये वाला पार्ट भी 10 रुपीज़ का हुआ ना, इक्वल पार्ट्स है ना दोनों, तो ये भी 10 रुपीज़ का हुआ। तो पूरा पम्पकिन कितने का हुआ, 20 रुपीज़ का। तो इसमें आपसे यही पूछा है नीचे कि फुल पम्पकिन कितने रुपीज़ का हुआ, 20 रुपीज़ का, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे का। ओके, गुड लक।